11 दिन में हो जाएंगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी। पर कैसे? फिर क्यों 10 में से 9 लोग ही कर पाते हैं ये संकल्प पूरी? नमस्कार, वेलकम टू ध्वनि आश्रम। आज हम बात करने वाले हैं 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प की। क्या है ये 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प, क्या करें इसमें, क्या ना करें, हम आज ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरा हनुमत बलबीरा। ये बात तो सच है कि इस कलयुग में अगर कोई हमारे संकट को हर सकता है तो वो है सिर्फ हनुमान। बट हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका जितना इजी है, उन तरीकों को मानना उतना ही कठिन है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है वो तरीके, क्या है ये 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प। 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प का मतलब है कि आपको 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। Sounds easy, right? But it's not. क्योंकि 10 में से 9 लोग इस संकल्प को पूरी नहीं कर पाते। तो आइए हम जानते हैं इस संकल्प को करने के तरीके। पहला, इस संकल्प को करने से पहले आपको अपने माइंड में एक क्लियर थॉट रखना होगा कि आप इस संकल्प को क्यों ले रहे हैं। सेकेंड, इस संकल्प को आपको ट्यूसडे से शुरू करनी है। जो भी आपकी कमिंग ट्यूसडे हो, आपको तभी से ये संकल्प करना शुरू करना है, क्योंकि ट्यूसडे हनुमान का दिन है एंड उसके अलावा उस दिन ब्रह्म मुहूर्त होती है। तो यह संकल्प शुरू करने के लिए ट्यूसडे सबसे आइडियल डे होगा। अब आपको इसे करने का पर शेड्यूल बनाना है, एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी बनानी है। इसके लिए आपको एक हनुमान जी का या तो आप फोटो ले सकते हो या तो आप मूर्ति ले सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, उसे आप रख लो। आप हर दिन एक फिक्स टाइम कोशिश करोगे बनाने का, वो टाइम सुबह के 4 से 7 के बीच में ही रखने का आपको ट्राई करना है, कभी भी 4 से 7 के बीच में, क्योंकि ये एनर्जी जो वातावरण में होती है या हमारे खुद के अंदर में होती है वो सबसे प्योर और फ्रेश होती है। करो टाइम एक कंसिस्टेंट रखना। इसके बाद आपको उस फोटो के सामने कुछ भी मीठा चढ़ाना है। आप फल भी यूज कर सकते हो, आप मिठाइयाँ भी यूज कर सकते हो, आप बताशे भी यूज कर सकते हो। आपको इससे करने के समय अच्छे धुले कपड़े पहनकर ही बैठना है। अब बात करते हैं बैठने की, तो आपको जमीन पे नहीं बैठना है, आपको जमीन के ऊपर एक चटाई या एक मैट, एक चादर, कुछ भी बिछा सकते हो आप, उसे बिछा करके ही बैठना है। क्योंकि कहा जाता है कि जमीन पे भी कुछ फोर्सेस होते हैं, हमारे बॉडी में भी कुछ फोर्सेस होती है। जब वो दोनों फोर्स कोलाइड करती है तो एक नेगेटिव फोर्स बनती है जो कि सही नहीं है। तो उसके बाद हम करना है ये कि हमको उस फोटो के सामने एक दीपक जलाना है घी का। 4 से 7 के बीच में ही रखने का आपको ट्राई करना है, कभी भी 4 से 7 के बीच में, क्योंकि ये आइडियल टाइम है किसी भी भगवान को या किसी भी तरीके का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ये संकल्प करने के समय आपको 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, पढ़ना है 11 बार हनुमान चालीसा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप चालीसा ही पढ़े जा रहे हो, नहीं। अगर आप चाहते हो, नहीं भी रुकना चाहते हो, वो वेल एंड गुड। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप कंटिन्यूस पढ़ो, आप एक बार पढ़ रहे हो, दो बार पढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, आप वहीं पर बैठकर राम का नाम ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सांस ले रहे हो, अंदर बाहर पानी पी रहे हो, आप कर सकते हो, खा नहीं सकते हो ऑफकोर्स, बट हाँ आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, 2 मिनट का पॉज ले सकते हो, 1 मिनट का पॉज ले सकते हो, फिर शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको वहां से उठकर नहीं जाना है, जो भी करना है आपको वहां बैठकर ही करना है। और बैठकर अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना फोन चलाने लग गए, आप खाने लग गए, आप किसी से बातें करने लगे, नहीं। रुककर थोड़ा सा अपने गले को आराम देने के लिए आप रुक सकते हो। और लास्ट, अब आपको ये है कि जो लास्ट के श्लोक में तुलसीदास जी ने अपना नाम लिया है, वहां पर आपको खुद का नाम लेना है। अगर आप किसी और के लिए संकल्प कर रहे हो, फिर भी आपको नाम खुद का ही लेना है। तो ये है हमारे संकल्प के डूज कि क्या करना है आपको। अब हम बात करने वाले हैं कि द डोंट्स, क्या नहीं करना है आपको, जो कि सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है। तो क्या ना करना है इसमें, सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको किसी भी तरीके का अपशब्द, गाली, फाउल लैंग्वेजेस या किसी भी तरीके का, अगर आप हैबिचुएटेड हो या आप नहीं भी हो, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा थ्रू आउट दीज 11 डेज सही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको गुस्से पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना कंट्रोल अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप गुस्सा, ये गंदी शब्द बोलना,
नॉनवेज खाना, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी थ्रू आउट दिस संकला। लेकिन हनुमान जी की क्वालिटीज़ को लाना अब सिर्फ बाहरी से नहीं, अंदर से भी। अगर आप अंदर से बुरा सोच रहे हो और बाहर दिखा नहीं रहे हो, ये संकल्प आपकी टूट जाएगी। तो ये संकल्प आपका तोड़ देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। या तो आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आ जाएगी, या तो कुछ आपको ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा और आप संकल्प नहीं करोगे। अब अगर आपने एक दिन भी संकल्प करने से रुके तो फिर से आपको पुनः शुरू करना पड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। लोगों ने इसे पॉसिबल बना करके फायदे भी पाए हैं। तो और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप ध्वनि एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर सको, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय श्री राम।